That is टीचिंग फिजिक्स विद एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो एम एस एक्सेल है, एक्सेल वाकई इस तरह ही काम करता है जिवें सर्फ एक्सेल काम करता, कि जेकर तुसीं एक्सेल नाल यूज़ कर लिया फिजिक्स के नाल तां तुहाडी जिहड़ी फिजिक्स के कंसैप्ट्स है और तुहाडी जिहड़ी कंप्यूटेशनल स्किल्स है बड़े ब्राइट तो बड़े फास्ट हो जाते हैं। तां इहदे च जो बेसिकली जो ये जिहड़ा एम एस एक्सेल है ये डिवेलप भी फिजिक्स के टीचर ने ही, जो फिजिसिस्ट से उन्होंने ही किया। तो एम जो मैं सोच के रखा कि असी इस तरह के टॉक करते हैं, इस तरह के असी वर्कशॉप्स करते हैं, तो मैं सोच रहा कि एम की है, टू मोटिवेट एंड अवेयर यू जी एंड पी जी साइंस स्टूडेंट्स फॉर अपडेटिंग देयर कंप्यूटेशनल स्किल्स सो दैट दे कैन कंपीट एट द ग्लोबल लैवल एंड फाइनली गैट गुड जॉब और इंप्लॉयमेंट ऑफ देयर चॉइस। सो साडा एम तो बेसिकली यही है कि असी कंप्यूटेशनल स्किल्स इंप्रूव कर सकीए, असी कोई जिहड़ा उन्हां दे कोल एक स्किल आ जाए जिहदे नाल वो किसी भी फील्ड च जाण ते वो उन्हां दे लई यूजफुल रहे। मैं इत्थे तुहानूं दावे नाल इह कह सकदा हां कि एम एस एक्सेल है, तुसीं किसी भी फील्ड च जाओ, चाहे तुसीं रिसर्च च जाने हो अगे और तुसीं किसी जॉब च जाने हो और बैंकिंग सैक्टर च जाने हो, फाइनेंस च जाने हो, कोई भी काम करते हो, तो एम एस एक्सेल थोड़े हर फील्ड दे विच काम आऊगा। सो मैं तो यह गल भी कहना हुन्ना कि एम एस एक्सेल नू साडी जिहड़े साडे 9th 10th ऑनवर्ड्स और 8th 9th दे विच ही कंपलसरी हो जाना चाहिए, जिवें मैथ दी बुक है नाल इसे तरह ही एम एस एक्सेल दी है। हाँ, कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ स्कूल्स दे विच करवाया जाता है, बट साडे नॉर्थ इंडिया दे विच ज़्यादा इधर जिहड़ा सिलेबस का पार्ट तो बनाता है, बट उन्हों जिहड़ा सीरीयसली नहीं कराया जा रहा, जस्ट वो एक फॉर्मैलिटी है कि उन्होंने एक फाइल बनानी है तो ठीक है। बट साउथ इंडिया दे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 6th ऑनवर्ड्स बच्चे करते हैं। अजकल असीं देख भी रहे हैं साडे बच्चे पहला कंपीटिशन की तैयारी करते हैं, नाल नाल उन्होंने फिर कोडिंग भी कराई जा रही है। वट इज़ कोडिंग? कोडिंग इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग असी क्यों प्लस टू तो बाद जाके शुरू करवाने हैं, जो बच्चे की कैप्टिविटी है, जो असी लैंगुएज सिखा सकते हैं, होर कोई लैंगुएज सिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सिखा सकते हैं, हिंदी सिखा सकते हैं और उर्दू सिखा सकते हैं, उस तरह असी कंप्यूटर की लैंगुएज क्यों नहीं सिखा सकते 6th ऑनवर्ड्स? तो यह भी एक पार्ट है, क्योंकि असी मिस किया हुआ, इस करके सानू इस तरह के प्रोग्राम करने पै रहे हैं। तो दिस इज़ ये स्लाइड इस करके है कि क्यों करिए इस तरह के प्रोग्राम। एम एस एक्सेल इज़ वन ऑफ द ईजीएसट एंड यूजर फ्रेंडली कंप्यूटेशनल टूल फॉर ऑल। ये हर कोई सीख सकता है, हर कोई परसन जिन्हों थोड़ा मोटा टाइपिंग आती है तो अगर एक्सेल खोलूगा तो वो सैल्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, प्रोग्राम और ऑलरेडी फार्मूलेज वो है, फार्मूला बाहर आ जाती है और तुसी कोई नंबर ऐड करने हैं, प्रोडक्ट करना है, साइन लेना है, कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लॉगरिथम ग्राफ प्लॉट करना है, ट्रेंड चेक करना है, इंटरपोलेशन करनी है, बड़ा कुछ है। तो हर स्टेट जिथे तुसानू कितें डाउट आता है तो उस हैल्प है, हैल्प उत्थों नहीं दिखनी, यूट्यूब सब तो वधिया टीचर है। यूट्यूब पर जाके जिथे तुसानू लग रहा कि नहीं पता लग रहा, यूट्यूब पर जाके सर्च करो, एक स्टैप बाय स्टैप लोगों ने वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियोज़ उत्थे हैगियां, सो तुहानू उह गाइड भी करो। तो ये मैं ज़्यादा जिहड़ा हैगा यही दसना चाहूँगा कि एम एस एक्सेल बहुत ही यूजफुल टूल है, जिस तरह टीचर को एक पेन होना चाहिए इस तरह ही फिजिक्स के टीचर नू एम एस एक्सेल तो एटलीस्ट आना चाहिए ही है। सो इट हैज़ बिन डिजाइंड बाय फिजिसिस्ट, मैं तुम्हें पहले ही दस चुके हैं, वन कैन इंजॉय वाइल यूजिंग एम एस एक्सेल। सो इंजॉय किस तरह करांगे एम एस एक्सेल नू, क्योंकि जो असं कोई काम करते हैं तो सानू उहदी आउटपुट नाल दी नाल स्क्रीन ते दिख जाए तो फिर असीं उहनूं इंजॉय कर पाउणे हैं। जिस तरह कोई प्रोग्रामिंग है, जिस तरह मैं इत्थे लिखी है प्रोग्रामिंग, फोरट्रॉन है, हाई लैवल लैंगुएजेस है, सी है, सी प्लस प्लस है, इन्हां सारियां लैंगुएजेस नूं असीं जिहड़े जदों असीं प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहलां असीं प्रोग्राम लिखते हैं, फिर असीं उहदी कंपाइलेशन करते हैं, जदों कंपाइलर लगाउंदे हैं तो उस एरर आउंदी है, फिर सानूं लभना पैंदा कि कित्थे असीं कोई सिंटैक्स एरर लगाती, की कोई असीं जो सिंबल गलत पाता उत्थे कॉमा नहीं पैना सी, डॉट पैना सी, इस तरह दी गलतियां इहदे च हुंदियां। बट एम एस एक्सेल च इस तरह कुछ भी नहीं है, जो तुसीं इहनूं यूज़ करना है सब कुछ सामने है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जो हो रहा है स्टैप बाय स्टैप तुसीं इहनूं कर सकदे हो। एंड बाकी मैं मेरे तो पहला जो डॉक्टर पी के आलूवालिया सर
उन्होंने तुहानू एम एस एक्सल बारे बहुत अच्छे तरीके दस्या होगा। एंड जे मैं उन्हों का नाम लिया तो मैं तुम्हें ये दसना भी चाहूँगा कि मैं एम एस एक्सल सर तो ही फस्ट लैक्चर सर का अटेंड किया पी के आलूवालिया सर का पंजाब यूनीवर्सिटी 2008 के ओरिएंटेशन प्रोग्राम लग्या उत्थे आलूवालिया सर आए थे इन्हों की एक प्रेजेंटेशन मैं देखी जो इन्होंने कहा असी डूइंग फिजिक्स विद एम एस एक्सल तो जो मैं देखी तो जो उन्होंने ग्राफ नाल प्लॉट हो रहा है वो फैसीनेटिंग सी तो दैन आई ट्राइड एंड उस तो बाद मैं सर की पी पी टी सर तो लै गया तो उन्होंने मैं देख देख के सीख गया तो नाल नाल जिहड़ी हैल्प ली है ऑनलाइन बुक्स जिहड़ियां ये मैं तुहानू कह रहा स्कूल्स दे विच बुक्स लगनियां चाहीदियां मैं बेसिक वह बुक पढ़ी सब तो पहला जो स्कूल दे विच सी बी एस ई वालों एन सी आर टी की बुक लाई जाती है ये कंप्यूटर लैंग्वेज वास्ते उहदे विच डिटेल दिता होया दैन स्टैप बाय स्टैप मैंने लग्या कि तो बहुत ईजी है फिर मैं इंट्रस्ट बन जाता तो हर हर किसी से इंट्रस्ट बन जूगा क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ता है उन्हें न्यूमेरिकल्स तो कराने ही है ना। सब तो वड्डी प्रॉब्लम कित्थे आउंदी है स्टूडेंट्स नूं जदों असीं थ्योरी पढ़ाउण तों बाद प्रैक्टिकल कराउणा है या प्रैक्टिकल कराउण तों बाद उहदा एनालिसिस करना रिजल्ट्स दा या असीं कोई ग्राफ प्लॉट करना है या न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है क्लास दे विच तां क्यों क्योंकि जिथे न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स थोड़ा उत्थों उन्होंने लगता कि न्यूमेरिकल्स बहुत औखे होंदे आ बट अगर कोई उन्होंने मैथड दस दो कि तुसी सॉल्व करना थोड़ा कैलकुलेशन करना तुसी कैलकुलेटर ना यूज़ करो कैलकुलेटर का थोड़ा ईजी हो जाता ये कैलकुलेटर तो भी ईजी हो जाता एक्सेल दे विच कोई सॉल्व करना क्योंकि कैलकुलेटर तो थोड़ा बार बार वो वैल्यूज़ ऐड करने पैंदियां इत्थे तुसी वो जिहड़ा फार्मूला ऑलरेडी फिट कर सकते हो कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। सो इस करके इहदे च जिहड़ा ये फिजिक्स वास्ते फिजिक्स स्टूडेंट्स और टीचर्स वास्ते जरूरी है तो मैं तुहानूं थ्री पार्ट्स दे विच डिवाइड किया अज का जिहड़ा प्रेजेंटेशन है। फस्ट जिहड़ा एक्सपेरिमेंट है जिहड़ा असीं एक्सेल दे नाल एक्सेल नाल मैं डिवेलप करन दी कोशिश कीती है हो सकदा मैं समझा पावां तुहानूं कि प्रोबेबिलिटी दा एक्सपेरिमेंट बी एस सी वन टू दे विच करवाया जांदा हैगा बी एस सी टू च है कि टॉसिंग ऑफ ए कॉइन टॉसिंग ऑफ कॉइन करदे हां तां सानूं पता है कि आइदर हैड अप आउणा है और टेल आउणा है एंड फिर असीं एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बुक दे विच कंसैप्ट पढ़ते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी वो किस तरह एक दूजे नाल लिंकड है तो वो असीं गल इत्थे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जदों सपोज फस्ट मैं इत्थे जिहड़ा तुहानूं मैं पहला नैक्सट स्लाइड आने तो पहले गल दसदा तां कि मैडम आवाज़ आ रही है हेलो हाँ जी तो नैक्सट ठीक ठीक है नैक्सट स्लाइड आने तो पहले मैं एक गल इतनी दसनी चाहना है कि पहला असं यही एक्सपैरीमेंट करा कॉइन के नाल कॉइनस असं 10 कॉइनस नू वन बाय वन जिहड़ा थ्रो करते हैं जिस तरह असं क्लासरूम करते हैं और लैब करते हैं तो असं उन्होंने कॉइनस की प्रोबेबिलिटी चैक करते हैं कि 10 के विचों किन्नियां दा हैड अप आया किन्नियां दी टेल अप आई फिर असं लिख लें फिर किसी फ्रीकुएंसी टेबल बनाने हैं फिर असं उन्होंने रिपीट करते हैं मैनी टाइम्स और सपोज 10 टाइम्स रिपीट किया तो 100 साढ़े को रीडिंग्स आ गई फिर उन्होंने असं अरेज करते हैं कि किन्ने हैड अप आए किन्ने टेल अप आए एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जी है इट इज़ द स्टडी ऑफ कलैक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो जो ये कॉइंस का नंबर बढ़ जाता है सपोज ये असी 10 तो 100 कॉइंस करते हैं तो 100 कॉइंस नू थ्रो करके असी कर रहे हैं तो फिर वन बाय वन काउंट कर रहे हैं तो टेक्स टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है कि किन्नियां दे हैड अप आए किन्नियां दे टेल आए फिर असीं लिखते हैं एक फ्रीकुएंसी टेबल बनाने हैं फिर असीं चैक करते हैं अल्टीमेटली 10 टाइम्स अगर 100 कॉइंस नू 10 टाइम्स असीं थ्रो किया तो नंबर ऑफ जिहड़े साडे कोल रीडिंग्स हो जाणगियां 1000 हो जाणगियां तो 1000 रीडिंग्स नू असीं वन बाय वन असीं उत्थे लिखते हैं किन्ने वारी हैड अप आया किन्ने वारी टेल अप आया। सो ये क्यों कराया जाता है क्योंकि ये दसन वास्ते कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वध जाते हैं तो जिहड़ी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है जिहड़ी असीं एक्सपैरीमेंटली नोट की है प्रोबेबिलिटी भी किन्ने हैड अप आए उन्होंने 1000 से डिवाइड करता किन्न की टेल अप आई सी अगर 1000 रीडिंग्स हो गई सी तो 1000 से डिवाइड करता सपोज जदों इस तरह का नंबर ऑफ पार्टिकल्स वधदे है तो जिहड़ी एम्पेरीकल प्रोबेबिलिटी है वो दैट अप्रोचेस टू अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी सानू पता है कि हैड अप आउण दी ते टेल अप आउण दी सिंगल कॉइन की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो अगर असीं 10 कॉइनस नू थ्रो करा रहे हैं तो उस उन्होंने जोड़े 10 टाइम्स असं थ्रो करा रहे हैं तो 100 ईवेंट्स हो गए 100 ईवेंट्स के सपोज 450 टाइम्स हैड अप आए और 550 टाइम्स टेल अप आईया तो असं उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी कढ़ते हैं तो 0.45 रह गया तो 0.55 आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड करने तो 1 आ गई बट जी डेविएशन आ गई फ्रॉम द अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ ह्यूज
बट वैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स ट्रायल्स असी इंक्रीज करते और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते इन दैट केस जी साढ़े को एम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी आनी है वो दैट अप्रोचेज टू द अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी सो दैट इज़ द कंसैप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स असं इतने ही पढ़ाते हैं इस बुक के कि जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं दे ट्राई टू स्टे इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट जिथे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम होंगी है या उन्हों का जोड़ा बिहेवियर है वो उस तरह ही होंगे कि जोड़ा असं थ्रैटिकली पढ़ते हैं जी थ्रैटिकल प्रोबेबिलिटी है उन्होंने असं अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी कहने जी एक्सपैरीमेंटली असं मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी उन्होंने असं एम्पैरीकल प्रोबेबिलिटी या एम्पीरीकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं सो जिस तरह ये एक थोड़ा एक्सल शीट दिख रही होगी ये फस्ट जोड़ा ये एक्सपैरीमेंट क्वाइंस का है तो उपर जो बोल्ड के लिखा हॉरीजेंटली वन टू थ्री अप टू टेन ए नंबर ऑफ जो कह लो कि क्वाइंस है 10 क्वाइंस है मेरे को तो फस्ट रो जिते हाईलाइटड है इस टाइम पर जिते एच लिखा हुआ दिख रहा थोनों तो यह 10 क्वाइंस थ्रो किए थे फस्ट का हैड अप आ गया सैकेंड टेल टी फॉर टेल एच फॉर हैड सो ये मैनशन किया हुआ इस तरह इन 10 क्वाइंस नू 10 टाइम्स असी थ्रो किया तो नीचे नैक्सट रो दे रो नंबर 3 दे नैक्सट टाइम जो किया इस तरह ही 4, 5, 6 ये एक बार एक्सेल प्रोग्राम दे विच प्रोग्राम जो लिखा है जो थोड़ा उपर टॉप से दिख रहा होगा मैं इतने पॉइंटर ना शो करने की कोशिश करना ए उपर जो फार्मूला बाद च दिखा फार्मूला की लाया मैं इतने इफ रैंडम एक रैंडम फंक्शन है एक्सेल दे विच वो इफ रैंडम नंबर आटोमैटिकली रैंडम नंबर जनरेट करता इफ रैंडम नंबर जरा इन्हें जनरेट किया इट इज़ लैस दैन 0.5 दैन राइट उत्थे एच लिख देना है एक अदरवाइज रैंडम नंबर अगर ग्रेटर दैन 5 है तो उत्थे इन्हें टी लिख देना है ऑटोमैटिकली तो रैंडम नंबर तो रैंडमली जनरेट करने एक्सल ने सो इट डिपेंड्स ऑन द क्लॉक स्पीड ऑफ द पीसी तो उत्थों उन्हें रैंडमली नंबर चकने होंगे है तो एवरी टाइम वो जी सैकेंड्स टाइम अगे चल रहा तो जो जनरेट कर रहा है तो उन्हें सारे नंबर डिफरेंट जनरेट करने हैं इस करके प्रोबेबिलिटी का कंसैप्ट असं इतने स्टडी कर सकते हैं तो तुम देखो ये जो रैंडम हर कित रैंडम फार्मूला ला के जोड़े टोटल हैड अप आए फस्ट क्वाइन के किन्ने बारी हैड अप आए है वो वर्टिकल कॉलम च लिखा नीचे करके जो जिद बॉक्स बने जिथे मैं मेरा पॉइंटर है इस टाइम पर जिथे हाईलाइटड है ये वाला हैड टोटल ये फस्ट क्वाइन के 8 टाइम्स हैड अप आए 2 टाइम्स टेल आए टोटल 10 सीगे तो टोटल 10 हो गया ये 4-6 आया 4-6 आया 5-5 आया इस तरह असी जो 10 टाइम्स थ्रो किए 10 क्वाइंस तो 100 जोड़े ईवेंट हो गए थे उन्होंने वचों एवरी क्वाइन के किन्ने बारी हैड आए किन्ने बारी टेल आए वो बॉटम से लिखे हुए हैं और सारिया का कंबाइन करके अगे जाके इतने टोटल लिखा कि किन्ने साढ़े को हैड अप आए सी 100 ईवेंट्स के और किन्ने साढ़े को टेल अप आए है इतने जिते मेरा हूँ पॉइंटर है ये तुम उपर देख रहे हो इतने इन्होंने सारे का सम ले लिया से सो टोटल साढ़े को 45 तो ये वाले टेल आए थे 55 टाइम्स 45 तो 55 का सम आ गया 100 तो प्रोबेबिलिटी जो लास्ट कॉलम दिख रहा होगा तुम्हें ये जी प्रोबेबिलिटी देखो अभी कैलकुलेट की वो आई 0.45 तो 0.55 हूँ इतने अदरवाइज थोरैटिकल प्रोबेबिलिटी किन्नी आनी चाहिए सी ये क्लीयर है कि 0.5 ही होनी चाहिए जो असी क्वाइन नू टॉस करते हैं तो 0.5 होनी चाहिए सी 100 टाइम्स असी 10 क्वाइंस नू 10 टाइम्स थ्रो किया है तो थोरैटिकली 50-50% ही आना चाहिए सी कि 50% जरा टेल अप आते तो 50% हैड अप आते बट इतने देखो क्लीयर दिख रहा है एक्सपैरीमेंटली जो असी किया तो वैल्यू थोड़ी 0.45 रह गई तो 0.55 आ गई हुण अगर असी नंबर ऑफ क्वाइंस इनक्रीज़ कर दिए इस तरह ही डाइस के केस च है अगर असी नंबर ऑफ ए डाइस है इतने पहला 10 डाइस का ही असी गल करते हैं डाइस से सानू पता है कि 6 फेसिस होंगे है क्यूब है 6 फेसिस है 1 तो लैके 6 तक लूडो सारे ने खेडी होगी तो जो डाइस थ्रो करते हैं तो वो जी प्रोबेबिलिटी है किसी भी फेस के अप होने की वह सूँ पता है कि 1/6 है तो हुण असी फस्ट इतने उस तरह जिस तरह क्वाइन सी 10 उपर जो हॉरीजेंटल रोल है जिस हाईलाइटड है वो साढ़े को नंबर ऑफ डाइस है 10 डाइस है साढ़े को उन्होंने एट ए टाइम असी थ्रो किया तो फस्ट डाइस का 1 अप आया सैकेंड डाइस का 4 अप आ गया इस तरह ही थर्ड का 2 इस ये हॉरीजेंटली सारे लिखते असी और हुण गल ये है कि इतने असी 1/1 लिखना नहीं कुछ भी
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ 'ਚ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਂਡਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੈਂਡਮ ਬਿਟਵੀਨ 1 and 6 ਇਹ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ 'ਚ ਰੈਂਡਮ ਬਿਟਵੀਨ 1 and 6 ਵਨ ਅਤੇ ਸਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ 3 6 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਤਾ ਥਰੋ ਆਊਟ ਇੰਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ 1 ਅਪ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ 1 ਅਪ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ 3 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ 1 ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਮ ਹੈ P2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P11 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ P2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P11 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ O14 ਇਹ ਓ ਹੈ ਉਹ 14 ਕੋਲਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 3 ਅਗਰ ਉੱਥੇ 3 ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਆਏ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਐਕਸਲ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਇਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 28 ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 10 ਟਾਈਮਸ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 100 ਟਰਾਇਲਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 13 ਟਾਈਮਸ 1 ਅਪ ਆਇਆ ਸੀ 20 ਟਾਈਮਸ 2 ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ 16 ਟਾਈਮਸ 6 ਅਪ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 100 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ ਆਉਣ ਦੀ 10 ਡਾਈਸ ਦੀ 10 ਟਾਈਮਸ ਥਰੋ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ 100 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਪ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.13 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 0.2 0.17 ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਹੈ ਇੱਧਰ ਫੇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ 1 2 6 ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਦੇ ਅਪ ਆਉਣ ਦੀ 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ 20 ਟਾਈਮਸ ਉਹ 2 ਅਪ ਆਇਆ ਬਾਕੀ 'ਚ 17 ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ 0.2 ਆ ਗਈ ਬਟ ਅਗਰ ਥੋਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1/6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 1.133 ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੁਆਇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ 100 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕੁਆਇਨਸ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 100 ਹੈ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਫ ਰੈਂਡਮ ਕੁਆਇਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਇਫ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 0.5 ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਲਿਖਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਤਾਂ ਟੇਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ HT ਲਿਖਤਾ ਕੁਆਇਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈੱਡ ਅਪ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 520 ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲ ਅਪ ਆਉਣ ਦੇ 480 ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1000 ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 0.52 ਅਤੇ 0.48 ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੁਆਇਨਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ 10 ਕੁਆਇਨਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਬੇਟਾ 0.45 ਐਂਡ 0.55 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 0.5 ਉੱਥੇ 0.45 ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ 0.52 ਇੱਥੇ 0.55 ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ 0.48 ਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ 0.48 ਅਤੇ 0.52 0.5 ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ
ਪਹਿਲਾਂ 0.5 ਦਾ 0.05 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 0.02 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਥਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰੀਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ 100 ਡਾਈਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ 182 ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਅਪਾਉਣ ਦੇ 149 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮ 1000 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਈਸ 10 ਸੀ ਤਾਂ 0.2 ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ 0.2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ 0.2 ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ ਇਟ ਪਰੂਵਸ ਦੈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਟ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਥਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਓਕੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ 1 ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਰੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਵਿਦਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਫਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ 10 ਟਾਈਮਸ ਫਿਰ 5 ਟਾਈਮਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ 50 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵਿਦਇਨ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੋ ਵੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਆਰ ਹਾਈ ਦੈਨ ਦਾ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਅਪਰੀਓਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ